हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर में। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम अपनी जेब्रा फिंच जो है मेरे पास, तो उसकी मटकी लगा रहा था तो मैंने सोचा वीडियो बना लें आप लोगों के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरे पास 15 पीस फिंच के पड़े हुए हैं, 7 जोड़े हैं और एक सिंगल है मेरे पास। अब उसमें मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, कोई पता नहीं है उसका। तो आज मैं मटकी लगा रहा था अपनी जेब्रा फिंच की। एक मिनी सेटअप है अपने पास, ये एक पिंजरा है, ये 1.5x3 का पिंजरा है। तो उसकी मटकी लगा रहे हैं हम, तो वही दिखाता हूँ आपको इस वीडियो में। अंडे दे रही हैं, बार बार नीचे गिर रहे हैं अंडे, देख सकते हो अंडे हैं मेरे पास पड़े हुए ट्रे के नीचे, अंडे गिर जा रहे हैं बार बार। 4-5 अंडे दे दिए इन्होंने और बहुत रेस्ट हो गया इनका। रेस्ट पे लगा रखा था मैंने इतने दिन से, तो रेस्ट अब ख़त्म हो गया है इनका। तो मैंने सोचा मटकी पड़ी है मेरे पास, मटकी लगा देता हूँ इनको। अंडे ख़राब हो रहे हैं और इनको रेस्ट तो बहुत पहले से मिल रहा है, बहुत दिन हो गए रेस्ट देते देते। तो मेरे पास 15 पीस हैं, तो मैं 8 मटकियाँ लगा रहा हूँ और ये छेद भी मैंने मटकियों में कर दिए हैं, आज ही करें छेद ही, छेद नहीं थे पहले इसमें, तो मैंने छेद भी कर दिए मटकियों में आगे। और ये नेस्टिंग मटेरियल मैंने सब सफ़ा करके तब लगाया, झाड़ के इसके दोबारा से। पहले मैंने ये नेस्टिंग मटेरियल ऐसी रख दी थी मटकी, तब दोबारा मैंने झाड़ उड़ के सब दोबारा लगाया नेस्टिंग मटेरियल मैंने। इसके अंदर धूल मिट्टी थी, तो मैंने सारी मटकी लगा दी हैं अंदर, देख सकते हो। 3-3 साइडों में लगाई हैं, 2 बिल्कुल सामने लगाई हैं मटकी। तो अब एक एक करके अब सब ये सिलेक्ट करने लगेंगे मटकी, एक हफ्ते बाद हम इसकी प्रोग्रेस चेक कराएंगे आप लोगों को। जो भी प्रोग्रेस होगी एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक हफ्ते तो बहुत हो गया, मगर जल्दी ब्रीड कर देंगे, क्योंकि फिंच जो होती है बहुत जल्दी ब्रीड कर देती है, बहुत जल्दी अंडे दे देती है फिंच जो होती है। फिंच को हम अंडे देने वाली मशीन कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि बहुत जल्दी ब्रीड करती हैं, बहुत अच्छी ब्रीड करती हैं। और इससे फिंच से ब्रीड लेना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है फिंच से ब्रीड लेना। खाली आपको कैल्शियम का और मल्टीविटामिन का ध्यान रखना पड़ेगा, और ज़्यादा खाती भी कुछ नहीं है ये खास चीज़, कंगनी खाती है, छोटी वाली कंगनी जो होती है, बारीक कंगनी वो खाती हैं ये। और बाकी सॉफ्ट फूड में आप इन्हें चावल दे सकते हैं, भीगी हुई रोटी दे सकते हैं, बाकी कोई भी चीज़ आप देंगे, खीरा वगैरह वो मैश करके देना पड़ेगा कद्दूकस से घिस के। और अंडा भी दे सकते हैं, गर्मियों में अंडा नहीं देना, मगर अभी हम सर्दियों में अंडा देंगे। और समुद्री झाग ज़रूर रखना है इनके अंदर कैल्शियम के लिए, समुद्री झाग हो गया और कैल्शियम ब्लॉक लगा रखा है मैंने इसके अंदर। समुद्री झाग नरम होता है, खा लेती हैं। बाकी मैं कैल्शियम का कोर्स भी करा रहा हूँ इनको, जो मैंने मेडिसिन मंगाई थी हर्बल मेडिसिन, वही मैं कैल्शियम प्लस दे रहा हूँ इनको। कैल्शियम में लगातार 3-4 दिन तक दूंगा जब तक अंडे नहीं दे देंगी। तो यही थी छोटी सी वीडियो आज की, फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू।